हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपको बड़ा दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, जो 966 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ है 0.39% का। 41% अंडर वैल्यू में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 41.140% आपको अंडर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक का सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से लेना देना है और इसी का सीमेंट का बाई प्रोडक्ट, ये अपना सीमेंट और सीमेंट के बाई प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बना के, प्राइम प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करते हैं। अभी देख सकते हैं कि अपसाइड मोमेंटम में 1314 का टारगेट निकल के आ रहा है और 35.95% अपसाइड मोमेंट बन सकता है। अभी निफ्टी के वन ईयर में कंपेयर में -38% का रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक ने बहुत ज़्यादा आपका नीचे आ गया है। तो ये है आपका इस स्टॉक को लेकर रिसर्च दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि -37.1 ईयर का रिटर्न आ चुका है और स्टॉक ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे अभी टूट चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रहा है स्टॉक की तरफ से। और बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेवेन्यू वाज हायर देन एवरेज एस्टिमेटेड 2 times। और सबसे बड़ी बात है कि 13 एनालिसिस में से आपको 11 एनालिसिस बाइंग की राय दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बुलिश है इस स्टॉक को लेके। और सबसे बड़ी बात है कि देख सकते हो कि बिरला का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कंसिडर बहुत ज़्यादा सालों से आपका एक रेवेन्यू में आपका खास ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अभी से थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। कॉन्शसनेस रिकमेंडेशंस पर 13 एनालिसिस में से आपका 11 एनालिसिस आपको स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल दिया है और 2 बाइंग का सिग्नल दिया है। और जून क्वार्टर में आप देख सकते हो कि 13,1379 का आपका अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेशन करके दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक अच्छा खासा जंप आया है, लेकिन एक्सपेंस में आपका पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 100 करोड़ कम हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि एक्सपेंस कम हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस लिए कम हो गया, क्योंकि आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो था पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था और इस क्वार्टर में आपका उतना हो नहीं पाया था, 200 करोड़ कम हुआ था रेवेन्यू कलेक्शन, इसलिए स्टॉक भी आपका बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। अभी सेल्स ग्रोथ बढ़ चुका है, 9.80% आपका लास्ट सेक्टर में लास्ट ईयर में बढ़ गया। रेवेन्यू ग्रोथ 25.99% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एनुअल नेट प्रॉफिट ग्रोथ 36.75 में और क्वार्टर नेट प्रॉफिट आपका 56.24%। तो आप देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। तो अभी नेगेटिव में क्या है कि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आपका 56% ईयर ऑन बेसिस पे आपका डाउन था, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। स्टॉक प्राइस आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है 41.9% से पास्ट ईयर के कंपेयर में, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आपका लोअर है, पी रेशियो लोअर मिल रहा है। डेप टू इक्विटी रेशियो में लेस देन 1 है, ये हेल्दी माना जाता है कि लेस देन 1 है डेप टू इक्विटी रेशियो। बाकी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी के कंपेयर में 10% इंडिकेटिंग इनसफिशियंट है, और पॉजिटिव में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पॉजिटिव है, प्रमोटर प्लेजिंग 0 है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए तो आपका 50 days EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फास्ट रेजिस्टेंस जो है 985 का है, तो इसको भी बहुत जल्द अब क्रॉस करने वाला है। फर्स्ट सपोर्ट है 945 का, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी किस लिए स्टॉक मूव होगा दोस्तों, RSI 55 में, मतलब 50% से ऊपर आ चुका है, और MFI जो है 73.9 में है। तो ये MFI भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट आपका ओवरबॉट जोन में चला गया। तो जब भी एक 50% के ऊपर RSI हो और MFI 73 एक 20% के आसपास गैप हो, तो एक अच्छा खासा बुल रन दिखाई देता है और देगा भी आने वाले टाइम पे। 3.4% का रिटर्न दिया है 1 month में, और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक देख सकते हो कि निपंस लाइफ आपका 3.9% DIA में होल्ड करके रखा है। प्रमोटर होल्डिंग रिमेन कांस्टेंट है, FIN ने और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा माल बेचा था, इसलिए स्टॉक भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। और बाकी आपका 19 September को 10 rupees का डिविडेंड दिया हुआ है, और अभी टारगेट निकल कर आ रहे हैं 1350 जनवरी लास्ट तक आपको ये टारगेट मेरे ख्याल से अचीव हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 3 महीने के अंदर ये टारगेट आपको बुल रन स्टार्ट होगा। जैसे स्टॉक गिरा है वैसे ही बुल रन में ये अपना टारगेट अचीव होगा। तो ऐसे ही एग्रेसिव टारगेट और टेक्निकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लो आप ही के चैनल मनी मेकर को। और जैसे 79% बाइंग रेशियो है तो मेरा भी बाइंग रेट रहेगा दोस्तों, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बाई करके जनवरी लास्ट तक आपको 1305 का टारगेट मिल जाएगा, और 34% का टारगेट आप लेके चल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।